बात करेंगे नागरिकता संशोधन कानून की, जिसके समर्थन में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा मुंबई से सटे मीरा रोड में एक रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस समर्थन रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। रैली काशीमीरा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे से लेकर मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर बने शहीद स्मारक तक निकाली गई। आपको बता दें कि रैली में रैपिड एक्शन फोर्स के एडवोकेट शैलेजा विजयन, समाजसेविका पल्लवी पाटिल, समाजसेवक रविंद्र भोसले, एडवोकेट आलोक शर्मा मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि समर्थन रैली के लिए पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त तैनात किया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। सीए का ये कायदा है, ये संविधान से पास हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा में ये दोनों बिल पास हुए, तो ये कोई थोपा गया हुआ कायदा नहीं है। ये लोकसभा जो सर्वोच्च जो बोला जाता है कि सर्वोच्च जो सभागृह है वो लोकसभा है, और उसके बाद राज्यसभा, दोनों इसमें ये बिल पास होके ये जनहितार्थ है, यानी भारतवासियों के फायदे के लिए वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये CAA करके लागू हुआ है। इसका कुछ लोग उसका गलत उसका इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को बहका रहे, वैसा कुछ नहीं है कि CAA बनना है। हर देशों में अगर आप देखोगे तो सिटीजनशिप एक्ट है, तो भारत में क्यों नहीं? हमारे अगल बगल के जितने भी राष्ट्र है सब में सिटीजन एक्ट लागू हो चुका है किसी ना किसी माध्यम से, तो हमारे भारत में क्यों नहीं? ये सरासर पूरा गलत है। महाराष्ट्र में मराठा मोर्चा के माध्यम से हमने ही 58 मोर्चे निकाले थे, मराठा सकल समाज के यहाँ से। उस 58 मोर्चों में लाखों के समर्थन में समर्थक आए थे, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं तकलीफ हुई और पब्लिक को ना ही तकलीफ हुई। इसको बोला जाता है मोर्चा, आप प्रदर्शन करो धर्म, बोले ना कि देश के नुकसान मत करो, आप देश को पहला कायदा समझो और जो प्रदर्शन करना है वो शांतिपूर्वक पूरा करो, पुलिस को सपोर्ट देके करो।